सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आई होप सब ठीक होंगे। तो आज है 20 नवंबर और आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। हमारे नियरेस्ट में एक मॉल है एम्बियंस करके, हम पहले भी गए थे वहाँ लेकिन ब्लॉग नहीं बनाया था। तो आज सोचा मैंने कि मैं ब्लॉग ना लेता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अब दिसंबर में हमारे घर में शादी आ रही है, तो उसकी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। कुछ अगर हमारे जो हमने लेना चाह रहे हैं वो मिलेगा तो लेंगे। कुछ टाइम पहले हम गए थे सरोजनी मार्केट, वहाँ से भी हमने शॉपिंग करी, वहाँ पर हमने ब्लॉग नहीं बनाया। तो आज हम लोग एम्बियंस सोच रहे हैं कि आज ब्लॉग बना लेता हूँ, बहुत टाइम हो गया। और लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा वो गाँव वाला, उसके बाद हमने ब्लॉग बनाया। उसके बाद मैं गुड़गांव आ गया था, पता ना भूल गया, अभी हम गुड़गांव में। तो अभी जा रहे हैं हम शॉपिंग करने। मेरे साथ है शुभम। हेलो। और हम जा रहे हैं दोनों अभी ऑटो लेके, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलते हैं, फिर वीडियो में मिलते हैं सीधे एम्बियंस मॉल। ऑटो आने वाला है, हमारा पहुंचने वाला है, तो हम जाते हैं नीचे रोड पे। तो पहुंच गए हम एम्बियंस मॉल। ये पूरा एरिया एम्बियंस मॉल का ही है। ये एम्बियंस मॉल के बाहर का एरिया है। इस बार हम जा रहे हैं दूसरे गेट से, गेट नंबर 5। वो एक गेट नंबर था, हम वहाँ से जाते थे, लेकिन इस बार हम पीछे उतार दिया। हाँ हाँ, गेट नंबर लग रहा है, करेंगे। तो हम अभी चढ़ रहे हैं ऊपर और हम बनाएंगे ऊपर से वीडियो। ये है शुभम और ये आप देख सकते हो, बहुत ही 2 3 4 5 5 फ्लोर है इसके। और हम सेकंड फ्लोर से वीडियो थोड़ी अच्छी आती है, और हम जाना भी सेकंड फ्लोर पे ही था इसलिए। और शुभम आ रहा है मेरे पीछे। तो हम जा रहे हैं ट्रेंड स्टोर पे, जो जियो वालों का है, वहीं पे जा रहे हैं। इतना बड़ा है ना कि इसमें चल चल के थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। और ये आपको रेस्टोरेंट दिखाते हैं, यहाँ पर लगी है ऊपर 3D स्क्रीन, इसमें एड्स आते हैं। और नीचे आप देख सकते हो, ये रेस्टोरेंट है नीचे, कुछ भी आप खा सकते हो। कितना मस्त लग रहा है ना एकदम, ये देखो। और अब चलते हैं आगे, आगे का दिखाते हैं। और ये यहाँ की टॉय ट्रेन है, जैसे हमने साइबर सिटी में देखी थी वैसी टॉय ट्रेन है ये भी, तो देख सकते हो। यहीं पे राउंड कर रही है, गोल गोल घूम रही है। तो शुभम ये है भाई, यहाँ पे सोना तो खरीद ले थोड़ा, 1-2 किलो घर पे रख दियो, अगली बार इसकी डबल रेट हो जाएगा। तो भाई कैफ़े आप देख सकते हो, इतने मस्त मस्त है यहाँ पे कैफ़े, बहुत अच्छा अच्छा। और अब हम बहुत पीछे आ गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग ब्रांड के अलग अलग स्टोर है पूरा, और कॉमन है, इसमें कोई चेकिंग भी नहीं होती है, कहीं से भी आप अंदर जा सकते हो, कहीं से भी बाहर आ सकते हो। तो क्या मस्त है यहाँ पर लोकेशन, ये वाला देखो, यहाँ पे मस्त लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है रात को, तो अभी और अभी तो दिन हो रहा है, शाम को तो और ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ की भीड़, तो मस्त लग रहा है। तो यहाँ पे मिलते हैं चाइनीज़ पैटर्न वाले कपड़े, ये चाइनीज़ में ही लिखा हुआ है, यहाँ पे चाइनीज़ ब्रांड ही है सारे। देख सकते हो कैसे खुले खुले जैकेट है, लेकिन भाई इतने महंगे हैं कि हम तो इसके अंदर से भी नहीं जा सकते हैं। जा तो सकते हैं, वैसे अंदर जा सकते हैं, ऐसे देख सकते हो और फिर वापस आ सकते हो। अब हम जा रहे हैं नीचे, यहाँ पे भी कैफ़े है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी कैफ़े है। और ये सामने तो आप व्यू देख सकते हो, क्या मस्त लग रहा है ऊपर से भी। और पहुँच गए नीचे, अब जाएंगे हम ट्रेंड स्टोर में अपना काम करने के लिए, मेन काम के लिए जो आए हैं। तो ये है ट्रेंड स्टोर, हम जाएंगे इसके अंदर। सही लग रहा, इसके भाव से पहनने का जैकेट तो बहुत है, है ना, सही बात है। वाह, मिल नहीं रही सर आपकी जैकेट, हैं आपकी ड्रीम जैकेट कहाँ चली गई? पूरा मॉल छान दिया, ड्रीम जैकेट नहीं मिली। ये रही वहाँ पर ड्रीम जैकेट, ये लग रही मुझे, यही लोग है लास्ट में। मिल गई क्या ड्रीम जैकेट? ये तो रही, यही तो देखी थी तूने सपने में, अरे ये वाली देखी थी ड्रीम जैकेट, चल पहन के दिखा। हाँ,
देखो भाई सब लोग कमेंट करो कैसी लग रही है भाई, ज़्यादा कमेंट करोगे तो शुभम भाई ले लेंगे फिर जैकेट को। ओह रुक जा आगे से दिखाऊँ, क्या मस्त लग रही है भाई, कह रहे तुम अच्छी नहीं लग रही है, हैं मस्त लग रही है, ले ले फाइनल है, मेरी तरफ से तो फाइनल है, अपनी तरफ से देख ले अब ले लेंगे, पैसा बहुत है बोला था मॉल में मता सब अच्छा लग रहा है। तो एक जैकेट फाइनल कर ली इसने, दो चीज़ें मैंने ले रखी है और दो चीज़ें इसने ले रखी है, अभी और कुछ लेना चाह रहा है क्योंकि बार बार हम लोग आते नहीं हैं, अब पता नहीं हम कब आएंगे, अब गर्मी में आएंगे सीधे। तो ट्रेन जा रही है हमारे सामने से, हेलो 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 भाई, मुझे ये वाला रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगा है, ये वाला पूरा खुला खुला है, मतलब ऐसा लग रहा है ट्रेडिशनल राजस्थान साइड नहीं होते हैं वैसा लग रहा है ना। हाँ तो भाई इसने शॉपिंग कर ली हुई हम लोगों ने और अब हम जा रहे हैं घर। शुभम भी एक बैग भर लिया हमने, दोनों बैग भर लिए हमने, 4 बजे आए थे हम लोग रूम से, 4 बजे आए थे लेकिन अब 6 बज गए, इतना टाइम हो गया पता ही नहीं चला। तो फिर शॉपिंग कैसी रही शुभम? बढ़िया, मज़ा आया आज बिल्कुल। कितने तेरे डिस्काउंट हुआ? डिस्काउंट 250 रुपये। 250 रुपये जैसे ही अंदर आते सबसे पहले कैफ़े मिलते ही वाले, और बहुत ही अच्छा लाइटिंग होती है यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे ही अंदर आते। तो ये फर्स्ट गेट है, एंट्री गेट जहाँ से अंदर आते हैं। बाय बाय। तो ये है वहाँ से एंट्री गेट और ये है यहाँ से एग्ज़िट गेट, यहीं से एग्ज़िट होंगे हम। ये है मॉल के बाहर का एरिया और ये है यहाँ पे एंट्री गेट, बहुत बड़ा मॉल है ये है। चलें, ये जो दिख रहा है आपको सामने लास्ट तक वहाँ तक है ये मॉल, और ये पूरा इधर को है, ये यहाँ तक है पूरा, तो बहुत काफ़ी बड़ा है। और हम जा रहे थे थोड़ा मेन रोड पे, वहाँ से हमको ऑटो मिलेगा क्योंकि हमारे पास पर्सनल गाड़ी तो है नहीं भाई। अब जा रहे हैं हम लोग वापस घर और ये पहुँच गए हम DLF सिटी गुड़गांव। लास्ट वाला ब्लॉग आपने देखा होगा, इसके अंदर गए थे हम लोग। गर्म शर्ट है ये, है ना, मस्त लग रही है ना, ओ दोनों मस्त लग रही है शर्ट भी। 9000 टोटल हो रहा था, ठीक है इसमें मैं दिख नहीं रहा टोटल कहाँ है, लेकिन हमें डिस्काउंट पढ़ के पड़ा हमें 6000 में। कितनी चीज़ें? 5 चीज़ें भाई, 5 चीज़ें एक क्लास की शॉपिंग करी है और 5 चीज़ें हमें मिली है 6000 में। 3, 4, 5 हाँ 6400 6000 में 5 चीज़ें, मस्त मस्त है एकदम। तो बताओ भाई सही हुई ना शॉपिंग, सही हुई या बेकार हुई है तब? और भाई हमें शॉपिंग सस्ती क्यों पड़ी तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये कूपन हमें मिले थे 1500 पे, 500 लेस हो जाता है, तो ये कूपन हमें मिले थे। आज हम लोगों ने 5 कूपन यही लगाए, कुछ डिस्काउंट भी लगा था हमारा तो और फ़ायदा हो गया, तो इसीलिए हम शॉपिंग करने गए थे। 2 महीने से इंतज़ार करा था इस दिन के लिए, तो आज हमें ये दोबारा मिले इतने सारे। तो ये है दिसंबर के, लेकिन अब तो हम शॉपिंग करेंगे नहीं, ये किसी और को दे देंगे। अगर कमेंट करो जिसको भी चाहिए दे देंगे हम, 6 पूरे भाई। तो 9000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी और 3000 उनका लेस हो जाएगा। तो भाई हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, ये शॉपिंग करी हमने सही बजट पर, कमेंट करके बताओ किस किस को हमारी शॉपिंग अच्छी लगी और कपड़े पसंद आए हमारे। और क्या कहते हैं, आज का ब्लॉग यही था फिर आपने देखा, और आपको एम्बियंस मॉल कैसा लगा वो भी आप बताओ। सो गाइस आज का ब्लॉग कुछ इस तरह रहा, आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें और भाई को सपोर्ट करें। और आज का ब्लॉग हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।